हेलो एवरीवन, हियर इज योर होस्ट एंकर सीजल सिंह पवार और आप सभी का स्वागत है घमासान.com पर। और आज हमारे साथ है मिस्टर पवन गुप्ता सर, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ कॉमेजोन। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एज वी ऑल नो, जो आपका लास्ट इवेंट हुआ था रीथिंकिंग रियल स्टेट मार्केटिंग कंसिडरिंग द करंट कोविड सिचुएशन, तो मेरे कुछ क्वेश्चन है आपके लिए। ओके, तो मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आपके अनुसार करंट कोविड सिचुएशन को देखते हुए रेसिडेंशियल रियल स्टेट की क्या मांग है। ये जो इवेंट अभी हमने जो किया था तो उसपे मार्केट से काफी थॉट लीडर्स थे, तो ये डिस्कशन से एक चीज बहुत क्लियर निकल के आई कि मार्केट पे काफी मिक्स्ड डिमांड है अभी, राइट। और दो तरीके के बायर है मार्केट में। एक जो बहुत ही टिपिकल बार्गेन हंटर्स हैं, अगर उनको अच्छी डील्स मिलेंगी, अच्छे ऑफर्स मिलेंगे, वो डिफरेंटली खरीदने के लिए तैयार। दूसरे तरीके के लोग हैं क्योंकि मार्केट में काफी अनसर्टेनिटी है और काफी फियर है, जॉब ऑफ लॉस का काफी फियर है, तो वो लोग वेट एंड वॉच वाली कैटेगरी में आते हैं। तो उसके लिए आई थिंक थोड़ा टाइम लगेगा, बट उनको नॉर्मलाइज होने में, समझने में, और वो डिमांड बाद में निकलेगी। बट ओवरऑल अभी जो जो डिमांड मार्केट में दिख रही है वो रेडी टू मूव इन की ज्यादा है। लोग प्रॉपर्टी में पैसा नहीं लगाना चाहते जो साल भर बाद, दो साल बाद आने वाली है, लेकिन हाँ अभी लाइक आई सेड कि रेडी टू मूव इन इन्वेंटरीज की ज्यादा डिमांड। ओके, दैट्स ग्रेट सर। सो मेरा अगला प्रश्न ये है आपसे कि रियल स्टेट के लिए डिजिटल मार्केटिंग कैसे इम्पोर्टेंट हो सकती है। So, ये क्वेश्चन को मैं बोलना चाहूंगा मार्केटिंग के अलावा, आई थिंक ओवरऑल इफ यू लुक एट डिजिटाइजेशन इज द राइट वर्ड जो मेरे हिसाब से सारे बिल्डर्स को यूज करना चाहिए। तो अभी क्या हो रहा है, जिस तरीके से आपके बायर्स आपको डिस्कवर करते थे आपकी प्रॉपर्टीज को, आपको सेलेक्ट करते थे और ऑफलाइन विजिट करते थे और फिर वो जाते थे ट्रांजेक्शन करते थे, तो अभी क्या हो रहा है कि ये चीज पूरा डिजिटाइज हो गया है, फिजिकल कोई जा नहीं पा रहा है। तो जो भी बिल्डर्स, जो भी डेवलपर्स जिनके पास डिजिटाइजेशन एडॉप्शन की ऑलरेडी जिन्होंने कर लिया है और वो सारे प्रोसेस को डिजिटाइज कर रहे हैं, तो वो आई थिंक क्लियर कट विनर होंगे। तो फॉर एग्जांपल जैसे आप डिस्कवरी अभी आप कैसे होती है, आप कैसे प्रॉपर्टीज उनको दिखाते हो, तो वर्चुअल टूर हो गया आपका, वर्चुअल रियलिटी, AR VR टेक्नोलॉजीज, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। अब आप आज की डेट में सेलेक्ट कैसे करता है बायर, तो बायर आज की डेट में सेलेक्ट करता है जहाँ पे आपकी वेबसाइट इंफॉर्मेशन बहुत ही अच्छे से होनी चाहिए, आपके जितना भी कस्टमर इंटरेक्शन है, आपको आज की डेट में आपको अपनी सेल्स टीम को, कम्युनिकेशन टीम को ऑनलाइन इनेबल करना पड़ेगा, राइट। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी कि आज की डेट में वो यूनिट कैसे सेलेक्ट करेगा। अगर हम उस एक्सपीरियंस को भी ऑनलाइन, यूनिट सिलेक्शन को भी अगर ऑनलाइन ऑटोमेट कर दें, तो ये सेकेंड फेज जो होता है डिस्कवरी के बाद सिलेक्शन का, ये ऑनलाइन अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है डिजिटाइजेशन में ट्रांजेक्शन, जब उस बंदे ने सेलेक्ट कर लिया, आपकी प्रॉपर्टी देख ली है, बायर इज कन्विंस्ड, देन उसको बुकिंग के लिए भी आई थिंक जरूरी है कि अब आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। पहले तो ऑफलाइन फॉर्म होता था, बायर्स विजिट करता था, फिर वो चेक देता था, लेकिन आज की डेट में तो ये तीनों प्रोसेस अगर आप देखो, अगर आपके ये तीनों फेजेस हैं जो प्रोसेस में डिस्कवरी से लेके सिलेक्शन से लेके ट्रांजेक्शन करने तक, तो जो बिल्डर्स इस चीज को पहले कर पा रहे हैं वो मेरे हिसाब से डेफिनेटली बहुत क्लियर कट विनर होंगे। जो इस चीज को नहीं अडॉप्ट करेंगे वो आई थिंक पीछे रह जाएंगे। ओके, या इट्स ट्रू सर। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कोविड की वजह से क्या रियल स्टेट प्रोडक्ट्स में भी चेंजेस आएंगे, आप क्या राय है? ये हाँ, जो हमारे इवेंट पैनल डिस्कशन से ये चीज बहुत क्लियर निकल के आई है कि जो नई डिमांड हो रही है, क्योंकि बिकॉज ऑफ कोविड क्या हो रहा है कि मार्केट में फुकाफ ऐसे आ रहे हैं कि आने वाले समय में 30-40% लोग वर्क फ्रॉम होम करना शुरू कर देंगे, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत क्लियर का नॉर्म हो जाएगा, तो हम अधिकतर टाइम कहाँ बिताएंगे, अधिकतर टाइम हम घर में बिताने वाले हैं। तो उस सिचुएशन में आप लोग डेफिनेटली डिमांड करेंगे बेटर हाउस की। नाउ कोविड की वजह से 3-4 डिमांड्स की में डेफिनेटली करेक्शन आएंगे, प्रोडक्ट में भी बिल्डर्स को कुछ अडॉप्ट करके उसको प्रोडक्ट को एनहांस करना पड़ेगा,
सो फॉर एग्जाम्पल लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप एक कोवर्किंग स्पेस या ऑफिस स्पेस अगर आपकी कम्युनिटी बना रहे हो, अगर आपके अपार्टमेंट्स 200 यूनिट के ऊपर के हैं और 1000 यूनिट के हैं, 1500 यूनिट के हैं, तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहीं पर एक बड़ा सा कोवर्किंग स्पेस हो जहां पे उनको ऑफिस नहीं जाना पड़े और फिर भी एक बेटर फील हो पाए कि वो ऑफिस में भी काम कर रहे हो घर में। दूसरी बात, पहले जिम सेंटर काफी जो फैसिलिटीज होती थी लोग वो तो उनको चाहिए चाहिए, प्लस वो चाह रहे हैं जैसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर हो गया, ग्रॉसरी स्टोर रखना बहुत मैंडेटरी हो गया आपके डिजाइन एस्पेक्ट में, और सलून हो गया। तो इस तरीके की बहुत सारी डिमांड्स आती जा रही है कि कोविड की वजह से आप बहुत टाइम घर पे स्पेंड करने वाले हो, तो इसकी वजह से ये नई डिमांड जो भी आपकी आ रही है, तो मेरा मानना है कि ये डेफिनेटली बिल्डर्स को दोनों तरीके से देखना चाहिए। एक जो भी मूविंग प्रॉपर्टीज है वहां तो वो ज्यादा नहीं देख ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन जो आगे समय में जिस तरीके से अपनी प्रॉपर्टीज को वो मार्केट करेंगे, आई थिंक ये सारे आस्पेक्ट उनको दिमाग में रखते हुए भी करना चाहिए कि हम भी रेडी हैं आपकी नई डिमांड को मीट करने, राइट। तो चाहे आप वो वर्क फ्रॉम होम और ऑफिस भी चाह रहे हो या एसेंशियल जो और चीजें मैंने बताई चाह रहे हो, तो उसको उस तरीके से उनको प्रोजेक्ट भी मार्केट करने पड़ेंगे और उनको बताना पड़ेगा कि हम भी आपके नए डिमांड मीट करने के लिए रेडी हैं। या इट्स ट्रू, थैंक यू सो मच सर। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या लगता है कि बिल्डर्स को क्या कम्युनिकेट करना चाहिए आज के खरीदारों को? ये आई थिंक ये बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे मैं काफी सारे बिल्डर से बात किया, काफी सारे मार्केटिंग हेड से बात किया मैंने लास्ट में रियल स्टेट में, तो काफी मिक्स था। काफी लोगों ने तो इनफैक्ट कम्युनिकेशन करना ही बंद कर दिया था, बहुत कम कम्युनिकेट कर रहे थे। तो कम्युनिकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप अभी देखो हमारे प्रधानमंत्री जी स्वयं कम से कम 6 से 7 बार अब तक सारे देश से बात कर चुके हैं, तो इससे बहुत क्लियर कट मैसेज हमें सीख लेनी चाहिए कि कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए और लोगों को अपडेट करने। तो मेरी तो राय है कि, और ये मेरा सुझाव भी रहेगा कि जितने भी बिल्डर्स हैं, जितने भी रियल स्टेट के मार्केटिंग डिपार्टमेंट स्पेशली, उनको कम्युनिकेट जरूर करना चाहिए सबसे पहली बात। दूसरी, आप इस डिफिकल्ट टाइम में, क्योंकि ये टाइम बहुत डिफिकल्ट है, लोगों को समझ नहीं आ रहा आगे क्या होने वाला है, एक तो उसमें आप अभी हार्ड सेल नहीं कर सकते हो, तो आप कहीं भी कम्युनिकेशन में अपनी बहुत ज्यादा वो सेल्स वाली जो आपकी एक मेंटालिटी थी वो उसको आपको थोड़ा सा लोअर करना पड़ेगा। तीसरी बात आई थिंक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बोलना चाहूंगा कम्युनिटी को कि वो जो ह्यूमन पार्ट है, जो एक सहानुभूति वाली बात है, एक जो काइंडनेस वाली बात है, ये सारी चीजें आपकी किसी भी कम्युनिकेशन में जानी चाहिए। और स्पेशली आपको जरूर कम्युनिकेट करना चाहिए जिन लोगों ने आपसे इन्वेंट्री खरीद रखी है और वो वेट कर रहे हैं अपने घर का पोजीशन पाने के लिए, उनके साथ तो आपको कतई ही कम्युनिकेशन स्टॉप नहीं करना चाहिए, राइट। तो आई थिंक अक्रॉस ऑल द लेवल अगर आप देखो कि जो आपके प्रीवियस कस्टमर्स रहे हैं उनसे कम्युनिकेट करना चाहिए, और जो जिन लोगों ने आपसे ऑलरेडी बुकिंग कर रखी है उनसे कम्युनिकेट भी करना चाहिए, और जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है डेफिनेटली आपको करना चाहिए। उससे क्या होगा कि बहुत क्लियर कट एक मैसेज जाएगा, ब्रांड सेंसिबल ब्रांड है और वो जो ह्यूमेन साइड ऑफ जो कम्युनिकेशन है वो चीज बिल्डर्स को डिफरेंट करना चाहिए। यस, इट वाज अ ग्रेट मैसेज फ्रॉम यू सर। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या ब्रांड्स को अपने मार्केटिंग बजट में कटौती करनी चाहिए या उसे बढ़ाना चाहिए? सो इस क्वेश्चन को स्पेशल मैं थोड़ा दूसरी तरीके से लूंगा। ये पहली बात तो आई थिंक मार्केटिंग बजट हर जगह कट हो चुके हैं, मैंने ऑलमोस्ट लोगों से भी बात करी, कहीं कहीं पर मार्केटिंग बजट तो इवन 60-70% कट हुए हैं, कहीं कहीं पर अराउंड 50% कट हुए। पहले क्या होता था, अगर आपके पास 100 रुपए होते थे तो आप क्या करते थे कि उसमें से करीब 60 रुपए आप लगाते थे अपने ऑफलाइन में और 40 रुपए करीब लगाते थे, 35-40 रुपए लगाते थे ऑनलाइन। तो अभी ऑफलाइन वाला तो आपको ये इंपॉर्टेंट है कि आज की डेट में अगर आपके पास 100 के बजाय 40 रुपए हैं तो वो आप लगाओ कहाँ पे, तो वहां पे आई थिंक सारा पैसा अभी डिजिटल जाना चाहिए, क्योंकि अभी आज की डेट में आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो बड़ा बड़ा पेपर ऐड निकालना, आज की डेट में आप होर्डिंग नहीं लगा सकते हो, आज रेडियो जिंगल नहीं चला सकते हो, आप पॉम्पलेट नहीं भिजवा सकते हो, आप इवेंट नहीं करा सकते हो। तो अब आपके पास जो ऑप्शन है वो डिजिटल है, डिजिटल में भी आपको बहुत सेंसिबल रहना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट 2 महीने का अगर आप कस्टमर बिहेवियर देखो, लॉट ऑफ पीपल स्पेंडिंग टाइम ऑनलाइन स्पेशली सोशल मीडिया से लेकर, तो आपको वो मीडिया मिक्स जो डिजिटल का है वो आपको बहुत ही लेजर शार्प करना पड़ेगा।
तो डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस स्केल के बिल्डर हो, किस सिटी में रह रहे हो, आपकी किस स्टेज में प्रोजेक्ट चल रहे हैं, रेडी टू मूव इन है, फिनिश्ड है, अपकमिंग है, राइट, और आपकी लोकेशन क्या है, उस हिसाब से आपको बहुत ही लेजर शार्प रहना पड़ेगा कि आप डिजिटल में आपको कि गूगल पे ध्यान रखना है या सोशल मीडिया पे ज्यादा ध्यान रखना है या वेबसाइट पे इन्वेस्ट करना है या वन ऑन वन कम्युनिकेशन करना है। तो ये चीजें मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो मीडिया मिक्स आपको रीलुक करनी चाहिए, आपको देखना चाहिए डॉलर्स ज्यादा आपको स्पेंड करने चाहिए डिजिटल फॉर्म पे, ऑफलाइन से कम्युनिटी अभी अवेयर है, और लेकिन ये जो भी एक्सरसाइज करें दो चीजों पे बहुत क्लियर कट फोकस होना चाहिए, आपका फनल बिल्डिंग कंटिन्यू रहना चाहिए, क्योंकि फनल बिल्डिंग अगर आप नहीं करोगे तो जब 6 महीने के बाद जब मार्केट थोड़ा नॉर्मल होगा तब आप मार्केट से काफी बाहर हो चुके होंगे और जो बाकी लोग कंटिन्यूसली डिजिटली जो कम्युनिकेट कर रहे हैं कस्टमर से वो लोग क्लियर कट विनर होंगे। तो ये मेरा मैसेज है और मुझे लग रहा है कि शायद आपको कुछ पॉइंट ऐसे मिले होंगे। It was a great session with you, and thank you so much, sir, for giving such insightful knowledge with us and about real estate. And बहुत ही अच्छा लगा हमें आपके साथ ये session करते हुए. Thank you so much for being there. Thank you, Sejal. Thank you so much for inviting me here. Thank you so much. Okay, so the signing off. Thank you so much. Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.